Hello and a big welcome to the Wellness Show, a show that is packed with practical advice and information on everything relating to your health, fitness and well-being. और ये हम शो करते हैं एवरी संडे मॉर्निंग बिटवीन 9:30 टू 11 एम. मेरा नाम है यास्मीन कुरैशी. हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हेल्थ से जो है रिलेटेड होती है, और इसके लिए हमारे पास आते हैं बड़े अच्छे अच्छे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से कंसल्टेंट्स आते हैं और बहुत से साइकोथेरेपिस्ट आते हैं आप सबको हेल्प करने के लिए, आपकी हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए. आज का जो सब्जेक्ट है वो है आदमियों से रिलेटेड. तो मेरा ख्याल है जो भी हमारे मेल व्यूअर्स हैं या हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं और जो समझती हैं कि उनके घर में जो मेल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर प्रोग्राम देखिए और फ़ोन भी कीजिए अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड. सो इफ़ यू आर ए मेल एंड यूरिनेटिंग इज़ नॉट अ सिंपल टास्क फॉर यू एनी मोर, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो रही है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो रही है. और इसके बारे में बात करने के लिए आ रही हैं आज हमारे साथ एक नई मेहमान, हमारी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ होंगी. लिस्टर हॉस्पिटल में बेस्ड हैं और ये जो है लिस्टर हॉस्पिटल मेरे ख्याल है हार्टफोर्ड शहर में है. जी हाँ, तो अब उनसे हम बात करते हैं. आइए उनको पहले वेलकम करते हैं. ये हैं शबनम ओंद्रे. डॉक्टर शबनम ओंद्रे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम. Thank you, Yasmin, for inviting. जी आप बात कर रही हैं यूरोलॉजी की. आजकल ये देखें, अब यूरोलॉजिस्ट मैंने देखा गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेल भी हैं और इसी तरह जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो फीमेल भी हैं. आजकल जो है इक्वालिटी का ज़माना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सबसे पहले बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स की, तो पहले तो आप ये बताइए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या होता है और कहाँ होता है इंसान की बॉडी में, यानी मर्दों की बॉडी में, और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि भाई क्या होता है उसके साथ. तो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट टू अस. श्योर, थैंक यू. मैंने ये मॉडल लिया है यहाँ पे आपको जी समझाने के लिए. हाँ, तो यहाँ जो होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ आदमियों में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. यहाँ जो है ये ब्लैडर है. अच्छा. जहाँ से आपकी यूरिन निकलती है. हाँ. और यहाँ जो लाल पाइप दिख रही है वो होती है यूरिथ्रा, जो हाँ, पाइप पीनिस में से जाती है. हाँ, और ये जो लाल पाइप है. अच्छा, जो लाल पाइप है और इसके बराबर बीच में ये जो लाल दिखती है जैसे वॉलनट का जो है जी, ये होती है प्रोस्टेट. अच्छा. और ये प्रोस्टेट बढ़ती है प्यूबर्टी के बाद में. ओके. और बढ़ते जाती है जैसे जैसे आप आदमी बड़े होते हैं. हाँ, हाँ. तो करीबन 50% लोगों को अराउंड द एज ऑफ 50 में कोई ना कोई तकलीफ शुरू होती है. अच्छा. और बाय द टाइम 80 ईयर्स के हो जाते हैं ऑलमोस्ट 80% में कोई ना कोई तकलीफ होगी. अच्छा. और ये सब इट्स सो कॉमन. इट इज क्वाइट कॉमन. सिर्फ यंग मेन में आजकल अराउंड लेस देन 10% फ्रॉम द एज ऑफ 40 में तकलीफ होती है. तो ये बढ़ते जाती है फ्रॉम द साइज ऑफ अ वॉलनट और इतनी बड़ी हो सकती है जैसे ग्रेप फ्रूट की साइज तक भी बढ़ सकती है. अच्छा. और जैसे जैसे आप इमेजिन कर सकते हो जो जैसे बढ़ती है वो यूरिथ्रा में प्रेशर देती है. अच्छा, जैसे ये नाली के ऊपर से प्रेशर डाल देती है ना. हाँ, जी. तो जो जैसे बढ़ते जाती है वो ब्लैडर के अंदर भी ग्रो हो सकती है और पाइप को भी नैरो कर सकती है. तो काफी सारे सिम्टम्स इसके वजह से बन सकती हैं. अच्छा, चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मॉडल से समझाया है. तो ये मुझे बताइए कि ये आपने कहा जैसे कॉमन, ये काफी कॉमन है, तो लेकिन इसके क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि लोगों को पता चले कि भाई. हाँ, मेरा ख्याल ये सिम्टम्स भी हम जो है वो बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन आप थोड़े से सिम्टम्स बताइए. तो अगर आदमियों को पेशाब करने के टाइम पे मुश्किल हो रही होगी या उनकी फ्लो बहुत कम आ रही होगी या बहुत ड्रिप होती होगी. हाँ, हाँ. रात को उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए. हाँ, हाँ. अगर वो बहुत टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है. कोई कोई लोगों को इनकॉन्टिनेंस भी होती है और ये सब सारे सिम्टम्स होती है जो प्रोस्टेट की ट्रबल इंडिकेट करती है. अच्छा, ये पेनफुल भी हो सकता है. जैसे होता है कि कई लोगों को जो है वो पेन इससे जब व्हेन दे आर यूरिनेटिंग आई थिंक दे फील पेन. इज इट पॉसिबल? ये पेन होता है इस वजह से कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है. चले, तो अब हम ये इसके साथ इसके डिटेल में हम बात करेंगे आफ्टर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. और ब्रेक के बाद हम आपसे कहेंगे अगर आपके पास कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए. 0203-6300-610 इज़ द नंबर टू कॉल अस. बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू.